जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। दोस्तों अभी तक अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है एसएससी जीडी का, तो बस दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर मैं आप सभी के लिए वो क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं जो बार बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक नए लेवल की ओर लेकर चलते हैं, जो दोस्तों आपको एग्जाम में पता चलेगा कि भाई वास्तव में ही यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाइए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में कोई बकवास नहीं होगी। ओनली दोस्तों टारगेट रहेगा आपके एसएससी जीडी एग्जाम के ऊपर। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको टॉप दोस्तों क्वेश्चन करने वाला हूँ यहाँ पर जीके जीएस के, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का फ्री मेमोरी बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सभी को यहां पर मैं लेकर आ चुका हूं ओलाई बोर्ड का सबसे दोस्तों फ्री टेस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बिल्कुल कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले। उसके लिए दोस्तों करना क्या होगा, आपको दोस्तों जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर मैंने लिंक दिया है। उस लिंक पर जाने के बाद दोस्तों आप इजीली ओलाई बोर्ड की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और इसका दोस्तों ऑफिशियल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट जो हमारा पहला कमेंट है वहां पर भी आपको जो लिंक है मैंने पिन करा दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पिन करा दिया है, तो जाकर अभी जाइए। और दोस्तों कोड अगर आप यूज करते हैं WIN तो दोस्तों आप 30% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं और भी परीक्षा पर, और भी प्रैक्टिस सेटों पर, और भी मॉक टेस्ट पर। तो दोस्तों जल्दी जाइए, ओलाई बोर्ड का जो लिंक है मैंने दे दिया है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दोस्तों इस वीडियो के पहले कमेंट में, जहां पर आप इजीली जाकर दोस्तों अपनी टेस्ट सीरीज पर अपना नंबर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट पदार्थों और खून में अतिरिक्त द्रव को निकालने के लिए प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुद्धिकरण, डायलिसिस और परिसंचरण, निस्पंदन। दोस्तों इसमें से क्या कहा जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, डायलिसिस। जी दोस्तों डायलिसिस इसका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, डायलिसिस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी फोन की स्क्रीन पर है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में छापिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों मैंने पूछा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और वो भी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, विश्वनाथ आनंद, विराट कोहली, गीता सेठ, अभिनव बिंद्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 4, अभिनव बिंद्रा। जी दोस्तों अभिनव बिंद्रा को दोस्तों सबसे पहले, राजीव गांधी खेले तो नहीं मिला था, लेकिन ये सबसे पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सबसे कम उम्र में दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अब दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है वो चेंज कर दिया है, जिसका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नाम रख दिया है। और दोस्तों 2020 में कितने लोगों को मिला था, 5 लोगों को, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता। दोस्तों कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था 1998 में। तो दोस्तों अमृत सेन, रघुराम राजन, अभिजीत बनर्जी, विना और डॉक्टर मनमोहन सिंह। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत सेन। जी दोस्तों अमृत सेन ने दोस्तों 1998 में यहाँ पर जो अर्थशास्त्री का नोबेल पुरस्कार है उसे जीता था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। तो लक्षद्वीप दोस्तों किस द्वीप समूह में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरब सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, अरब सागर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। भैया लठमार होली दोस्तों ये मनाई जाती है बनारस और नंदगांव में। कहाँ पर, बनारस और नंदगांव में दोस्तों मनाई जाती है। और दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, यूपी में। ठीक है, यूपी में पड़ता है, जिसमें दोस्तों जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों के ऊपर दोस्तों लाठियों से वार करती हैं और उनके ऊपर दोस्तों सेफ्टी के लिए कुछ ऊपर एक जो है मेटल का कुछ उपकरण लगा होता है जिससे वो अपने आप को बचते हैं। ठीक है, वरना तो भैया सिर फूट जाएंगे ऐसे। तो विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वायरोलॉजी, पेडोलॉजी, बायोलॉजी या पैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरोलॉजी। दिया दोस्तों, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। और दोस्तों अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इसमें कितने सही किए हैं, ठीक है। सत्य के प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है भैया ऑप्शन नंबर दो, महात्मा गांधी। सत्य के प्रयोग यानी माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये पुस्तक किसकी है? ये महात्मा गांधी की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट आपकी फोन की स्क्रीन पर आ चुका है। जम्मू और कश्मीर को कौन सा अनुच्छेद धारा के तहत विशिष्ट दर्जा दिया गया है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, 370, ठीक है। 370 2019 में हटाया गया था, वो आप सभी जानते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का नागरिकता का धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? अब दोस्तों आप सभी को बता दें, जो नागरिक अधिनियम है कहाँ से लिया गया है? जो नागरिक है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम वो किस अनुच्छेद से है? 5 से लेकर 11 तक दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों इसका संविधान संशोधन कब हुआ था? 1955 के आधार पर संशोधन किया गया है इसमें, ठीक है। जितनी प्रक्रिया है वो 1955 के अधिनियम के द्वारा इसमें जोड़ी गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, यूके। यूके का मतलब दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, ये आप सभी को पता भी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूके का मतलब ब्रिटेन भी आप बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी फोन की स्क्रीन पर आ चुका है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? दोस्तों चांदी या कैल्शियम है, सीसा, तांबा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दो, कैल्शियम। या दोस्तों चांदी तो पानी के साथ नहीं कर सकती प्रक्रिया, न सीसा न तांबा, तो कैल्शियम है दोस्तों ऐसी धातु जो पानी के साथ प्रक्रिया करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत सरकार के युवा मामले और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर दोस्तों भारत सरकार के युवा मामले और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए, भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है। दोस्तों सर्वोच्च कौन है बताइए? इसमें सर्वोच्च दोस्तों कौन है? उच्चतम न्यायालय। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय, ठीक है, दिल्ली में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है, 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेटकीपर कौन है? तो दोस्तों विकेटकीपर कौन है? वो है MS धोनी। MS धोनी दोस्तों जो जिन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? विकेटकीपर भी कहा जाता है। और दोस्तों ये माही के नाम से प्रसिद्ध है, वो आप सभी जानते हैं, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी थी 2020 के स्टार्टिंग लास्ट तक, ठीक है। वो की थी दोस्तों समथिंग आपका अगस्त में, 15 अगस्त के समथिंग की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। इसको देखते हैं भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन को पढ़कर सुना देता हूँ आपको। जून 2018 में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जो दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? जी हाँ दोस्तों बताइए, जून 2018 में तो दोस्तों वो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर 4, सुनील छेत्री। जी हाँ दोस्तों, सुनील छेत्री जो अपने भारत हॉकी टीम के कप्तान भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मनप्रीत सिंह है दोस्तों अब तो फिलहाल कप्तान, मनप्रीत सिंह हैं फिलहाल आप कप्तान, ये पहले थे, ठीक है, ये पहले थे। आगे चलते हैं, आगे है हमारा हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो हवा महल दोस्तों किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। जी हाँ दोस्तों, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप जल्दी से इसका राइट आंसर बताते चलें, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास में नहीं है ना ही मेरे पास है, ठीक है। सरकारी रसीद है जो विमोचन योग्य नहीं है, बताइए कौन सी रसीद है जो विमोचन योग्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उत्तर एक, यानी राजस्व रसीदें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? यानी तन्य का मतलब यह है कि दोस्तों इसको कितना भी खींचा जा सकता है। देखिए दोस्तों, तो इसे है सोना। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आप 10 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा जो है तार बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन है? सोना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित किस आंदोलन के संबंधित था? जो गांधी इरविन समझौता वो दोस्तों किस आंदोलन में हुआ था? दोस्तों आप सभी को बताना इसका राइट आंसर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों इसमें ये हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूंजी उत्पादन के दौरान विधि कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है, दोस्तों क्या है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में छापिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियाशील। क्या? क्रियाशील। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन फ्रांसिस क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसिस क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो दोस्तों ये था टीपू सुल्तान, जिसकी डेथ कब होती है? जिसकी डेथ होती है 1799 में सरंगमपट्टी की संधि सरंगमपट्टम में होती है, ठीक है। पत्तम की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? पत्ती के दोस्तों जो निचली सतह होती है उस पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रद्र। ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
याद रखिए बिल्कुल, ठीक है। प्राय प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणीय होती है। दोस्तों कौन सी मिट्टी होती है बताइए, कौन सी मिट्टी है उस, वो है शुष्क मिट्टी। कौन सी? शुष्क मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है 23, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सुखी भक्ति संगीत के नाम संगीत का एक न्यू रूप है। दोस्तों इसका क्वेश्चन है, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सुखी भक्ति संगीत का एक रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कव्वाली। क्या है? कव्वाली। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सिंधु नदी का उपनदी नहीं है बताइए भाई। सिंधु नदी की जो उपनदी कौन नहीं है वो है दोस्तों गंगा, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और व्यास। ये दोस्तों सभी हैं पांचों नदियां जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं कौन से हैं दोस्तों। जम्मू के बंजारे हैं वो है गुज्जर बकरवाल। कौन है? गुज्जर बकरवाल। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको SSC GD के लिए कराए हैं, ठीक है, GD के लिए। अगर दोस्तों आप हमारा वीडियो अच्छे से देखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।